आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ फटे हुए दूध से सॉफ्ट मुलायम रसगुल्ले की रेसिपी। यह खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और शेयर करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ फटे हुए दूध से सॉफ्ट और नरम रसगुल्ले बनाने की रेसिपी। ये 1 kg की दूध है, ये फट गई थी, इसलिए मैं इस फटे हुए दूध से आपको रसगुल्ले की रेसिपी शेयर करूंगी। देखिए, सबसे पहले फटे हुए दूध को ओवन के ऊपर चढ़ा करके गर्म करूंगी। ये देखिए, मैंने इस फटे हुए दूध को ओवन के ऊपर रख दी हूँ। अब मैं इसे गर्म करूंगी। आप जब भी इसे गर्म करें ऊपर से नीचे चलाते हुए गर्म करें, क्योंकि ये फटे हुए दूध है, अंदर में जलने की डर रहती है। ये देखिए, छेने उबलने लगे, ये फटे हुए दूध, ये छेने जो हैं ये उबलने लगे। अब मैं फ्लेम के स्विच को ऑफ करती हूँ। अब मैं इसे छानने की तैयारी कर लेती हूँ। छानने के लिए मैंने एक बाउल ली हूँ, इसके ऊपर मैं चालनी रख दी हूँ। अब मैं इसके ऊपर एक साफ कॉटन के कपड़े रख दूंगी। अब मैं छेने को छान लूंगी। ये देखिए, मैंने सारे छेने को चालनी के ऊपर रख दी हूँ। अब मैं इसे अच्छे से छान लूंगी। मैं इस छेने के पानी को फेंक दूंगी, क्योंकि ये थोड़े से खराब होते हैं। अब मैं इसे एक दो बार ठंडे पानी से धो लूंगी, क्योंकि ये फटे हुए दूध है, इसकी स्मेल होती है। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से दो पानी से धो ली हूँ। अब मैं इसको चारों तरफ से समेटते हुए इस तरह मैं इसको घुराऊंगी। इसकी ज़्यादा पानी नहीं निचोड़नी है, बस इतना ही। अब मैं इसको चालनी में इस तरह रख दूंगी। इसके ऊपर एक छोटी प्लेट रखनी है। मैं इसे एक छोटे से, ये भारी सामान है, इसको मैं रख दूंगी। ज़्यादा भारी नहीं रखनी है, बस इतना ही रखनी है। अब मैं इसे आधा घंटा तक इसी तरह छोड़ दूंगी। ये देखिए, करीब आधा घंटा हो गया। अब मैं इसको छेने को निकाल लूंगी। ये देखिए फ्रेंड, छेने एक जगह इकट्ठे हो गए। देखिए, ये देखिए, छेने को मैंने एक प्लेट में निकाल ली हूँ। अब मैं इसको तोड़ लूंगी। अब मैं इस छेने को 5 मिनट तक मसल मसल के सॉफ्ट करूंगी इस हथेली के सहायता से। चूंकि यह फटे हुए दूध की छेने हैं, इसलिए इसे मसलने में 5 से 7 मिनट भी लग सकता है। अब मैं इसको मसल मसल के सॉफ्ट कर लूंगी। ये देखिए, करीब मसलते मसलते 4 से 5 मिनट हो गया। अब मैं इसमें एक चम्मच, छोटी चम्मच है, कॉर्नफ्लावर दे दूंगी। आप इसके जगह मैदा और अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। छोटी चम्मच देनी है, ज़्यादा नहीं देनी है। ज़्यादा देने से रसगुल्ले टाइट हो जाते हैं, इसलिए छोटी चम्मच से एक चम्मच ही देनी है। आप इसमें 4 से 5 बूंद गुलाब के एसेंस या केवड़ा एसेंस दे सकते हो। आपको जो भी एसेंस पसंद हो आप दे सकते हो। मैं इसमें एसेंस नहीं दे रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से कॉर्नफ्लावर को अच्छे से मिला दूंगी और थोड़ा सा 1-2 मिनट और मसल मसल के सॉफ्ट करूंगी। कॉर्नफ्लावर बेंडिंग का काम करता है, इससे रसगुल्ले टूटते नहीं है। ये देखिए, मैंने छेने को मसल मसल के एक सॉफ्ट बना ली। अब मैं इसको सिलेंडर के आकार में बना लूंगी। ये देखिए, मैंने इसको लंबे आकार में रोल कर ली हूँ। अब मैं इसको कट कर लूंगी। देखिए, मेरे 10 रसगुल्ले बन के रेडी हो गए। अब मैं इसको गोल गोल बॉल के आकार में बना लूंगी। ये देखिए, ऐसे बॉल के आकार में बनानी है, इसमें एक भी क्रेक ना हो। इसी तरह मैं सारे रसगुल्ले को बॉल के आकार में बना लूंगी। ये देखिए, मैंने सारे रसगुल्लों को बॉल के आकार में बना ली हूँ। अब मैं इसको कॉटन के कपड़े से ढक देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको ढक दी। अब मैं चाशनी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। चाशनी बनाने के लिए मैंने ओवन के ऊपर एक बाउल को चढ़ा दी हूँ और फ्लेम के स्विच को ऑन कर दी हूँ। ये छोटी बाउल है, क्योंकि रसगुल्ले ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं छोटी बाउल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसमें एक बाउल 200 ग्राम का लगभग चीनी दे दूँगी। मैं सेम मात्रा में उसी बाउल से 4 बाउल पानी दे दूँगी। मैंने 4 बाउल पानी दे दी हूँ। अब मैं उबलने का इंतजार करूँगी। ये देखिए, चाशनी उबलने लगे। ये चाशनी साफ है। यदि आपकी चाशनी गंदी हो तो 2 चम्मच दूध दे करके
इनकी गंदगी को निकाल लें। अब मैं इसमें इलायची दे दूंगी। ये देखिए चार छोटी इलायची है, मैं इसको इस तरह खोल ली हूँ ताकि इसका फ्लेवर चाशनी में आराम से मिल जाए। अब मैं इसको दे दे रही हूँ। आप इलायची के जगह पर केवड़ा एसेंस या गुलाब एसेंस भी दे सकते हो। अब मैं चाशनी को 5 मिनट तक इसी तरह मीडियम फ्लेम पर उबलने दूंगी। लगभग 5 मिनट हो गया मैं मीडियम फ्लेम पर चाशनी को पकाई। अब मैं फ्लेम का स्विच हाई कर दूंगी और मैं ये रसगुल्ले जो थे बॉल किए हुए इसको मैं डाल दूंगी एक एक करके। मैंने सारे रसगुल्लों को चाशनी में डाल दी। अब मैं इसे हाई फ्लेम पर 7 मिनट तक ढक करके पकाऊंगी। ये मैं ढक दी। लगभग 7 मिनट हो गया मैं इसे हाई फ्लेम पर पकाई। ये देखिए 7 मिनट में ही रसगुल्ले कितने बड़े बड़े हो गए। अब मैं 7 मिनट तक और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाऊंगी। ये देखिए करीब 7 मिनट मैं मीडियम फ्लेम पर और पकाई। अब मैं फ्लेम के स्विच को ऑफ करती हूँ। देखिए रसगुल्ले कितने बड़े बड़े डबल सॉफ्ट और सुंदर हो गए। अब मैं इसको एक बाउल में सर्व करती हूँ। देखिए मैंने इसे एक बाउल में सर्व कर दी हूँ। ये कितने सॉफ्ट नरम हुए हैं देखिए। ये देखिए ये गर्म है, ये बहुत ही नरम है ये देखिए। यदि आपको फटे हुए छेने के रसगुल्ले की रेसिपी अच्छी लगे प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें। यदि आपको मेरी रसगुल्ले की रेसिपी अच्छी लगे प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको रसगुल्ले की रेसिपी कैसी लगी। जी धन्यवाद।